सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री पंडित सचिन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा, सकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा थाना सूरजपुर पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस के वेश में जगह जगह चेकिंग के नाम पर वाहन लूट किया करते थे। ये अपने गैंग के साथ सुनसान स्थान पर खड़े होकर वाहनों की चेकिंग के नाम पर वाहनों को पहले रोकते और फिर वाहन को ही लूट कर फरार हो जाते थे। इनसे पुलिस की मुलाकात पहली बार उस समय हुई जब इन्होंने इसी इलाके में एक माल से भरे ट्रक को लूटा था, तो ये दोनों बुलेरो लेकर फरार हो गए, जबकि इनका एक साथी को ट्रक के साथ उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें एक बुलेरो के साथ गिरफ्तार किया और कार में पुलिस की कैप बरामद की गई। इस टोपी के अनुसार रौब दिखाकर यह चेकिंग कर लूटपाट किया करते थे। इस बुलेरो कार में रखी पुलिस टोपी इस चीज को बयां कर रही है कि ये लोग फर्जी पुलिस कर्मी बनकर राहगीरों से लूटपाट किया करते थे और घटना को अंजाम देने के बाद वापस हरियाणा चले जाया करते थे। ये हमारे सूरजपुर थाना में एक 1830/19 मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें एक आयरिस कैंटर था, उसमें कुछ सामान लदा हुआ था और उसको ओवर पावर करके बुलेरो गाड़ी से कुछ लोगों ने लूट लिया था। उसको लूट करके दिल्ली की तरफ ले जा रहे थे, वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने फिर घेराबंदी करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और कुछ लोग उसमें भाग गए थे। उसी क्रम में आज ये दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम धन सिंह और दीपक है। ये दोनों फरीदाबाद और बागपत के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इन्होंने जो है उस कैंटर को ओवर पावर किया था और उसको जो है वो जो उसका सामान था उस सामान को बेचने की फिराक में थे। मुखबिर से जो है सूचना मिली, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। सर, किस प्रकार से लूट को अंजाम देते थे? जैसे जानकारी मिली थी पुलिस का टोपी लगा करके चेकिंग करते थे। ये इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके पास एक पुलिस की कैप थी जो बरामद हुई है, तो हो सकता है कि जो है वो चेकिंग के नाम पे ये लोग इस तरह की घटना करते हो। अभी इसमें कुछ लोग, एक व्यक्ति शेष है, उसकी भी गिरफ्तारी होगी, तो उससे भी पूछताछ में आगे की बात क्लियर होगी। सर, कोई और भी साथी हैं इनके? चार लोग थे, जिसमें से एक पहले गिरफ्तार हो गया था, दो अभी ये हुए और एक व्यक्ति और बचा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास इसमें जो पहले गिरफ्तार हुआ था उसका था, अभी इन लोगों का कोई ऐसा आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों इन शातिर लुटेरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीते 13 दिसंबर 2019 को क्राउन प्लाजा होटल के सामने एक माल से भरा एसर कंटेनर लूटकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर लिखकर धरपकड़ के दौरान मोनू नाम के एक अपराधी को कंटेनर सहित पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और मोनू के साथ ही धन सिंह और दीपक बुलेरो कार से फरार हो गए थे, जिनको आज मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान फरार चल रहे अभियुक्त धन सिंह और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास एक बुलेरो कार और एक पुलिस की टोपी बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त टोपी का प्रयोग लोगों को डराने धमकाने के लिए किया करते थे। पुलिस अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री शाहजी परिवार। ठंडी खीर खानी हो तो शाहजी डेयरी पर आइए, हमारे यहाँ आपको मिलता है शुद्ध देसी घी, ताजा लस्सी और शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारा पता याद रखें, जीटी रोड सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नोट, हमारी कहीं भी कोई और ब्रांच नहीं है।